सारे ने सशिकाल थोड़ा सारे ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਲਾਜਮ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ। हाँ जी, इस दे बारे पूरी अपडेट तुहानू दस्सांगे इस वीडियो दे विच। इस दे लई साडे नाल बने रही हो, वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो। उस तो पहला जे तुसी साडे चैनल ते नवें हो तो साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो तां जो आउण वाली हर जरूरी अपडेट तुहानू समय सिर मिल सके। तो बिना देरी कीते शुरू करदे हां साडी अज दी वड्डी अपडेट नाल। हाँ जी, जिवें कि तुहानू दस्सिया कि मुलाजमां लई इक बहुत ही वड्डी राहत भरी खबर है जिहड़ी ओह सामने आ रही है। हाँ जी, कल वित्त मंत्री जी नाल इक अहम मीटिंग होई सी जिस विच जत्थेबंदियां दे आगुआं ने वित्त मंत्री जी नाल तर्कपूर्ण ढंग नाल गल्लबात करदिआं पुरानी पैनशन नूं बहाल करन लई कहा। इस दे नाल ही आगुआं वल्लों भत्तिआं नूं वी बहाल करन लई कहा गया, जिस तों बाद आगुआं ने कहा कि पुरानी पैनशन स्कीम बहाल करन नाल सरकारी खजाने ते कोई बोझ नहीं पएगा। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि राजस्थान अते छत्तीसगढ़ सरकार वल्लों वी पुरानी पैनशन स्कीम है जिहड़ी ओह मुड़ बहाल कर दित्ती गई है। इस लई हुण पंजाब सरकार नूं वी पुरानी पैनशन स्कीम है जिहड़ी ओह मुड़ बहाल कर देनी चाहीदी है। जिस तों बाद वित्त मंत्री जी ने आगुआं नूं भरोसा दवाया कि पंजाब सरकार 6 महीनिआं दे अंदर पंजाब दे मुलाजमां लई पुरानी पैनशन स्कीम है जिहड़ी ओह लागू करेगी। इस संबंधी मुख्य मंत्री जी नाल गल्लबात है जिहड़ी ओह लगातार चल रही है, जिस तों बाद आगुआं वल्लों कहा गया कि जत्थेबंदी वल्लों पुरानी पैनशन प्राप्ति तक संघर्ष है जिहड़ा ओह चलता रहेगा। जेकर सरकार ने कदे भी पुरानी पैनशन स्कीम लागू करन तो ढिल छड्डी तां संघर्ष नूं होर तिखा किया जाएगा। हाँ जी, ये साड़ी अज की वड्डी अपडेट। आशा है कि पंजाब सरकार एदा ही मुलाजमान के सारे मसले हल करे। जे थोनों ये अपडेट वधिया लगी हो वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करो। मुलाजमान संबंधी होर अपडेट्स देखने लई साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।